वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। सो आज का ये वीडियो आ गया है जिसकी मुझे बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी कि मैम आप अपने बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए। तो मैं आपको बता दूँ, मैंने कुछ ही दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट डाला था जहाँ पर मैंने आपको पूछा था कि पूछिए आपको जो भी पूछना है। तो उनमें से मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, साथ ही साथ मुझे जो रेगुलरली आते रहते हैं हर ब्लॉग में, तो मैंने वो कुछ क्वेश्चन पिकअप करे हैं। एंड मैंने इंस्टाग्राम पर भी पूछा था तो वहां पर भी मुझे कुछ क्वेश्चन आए हैं, तो मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाकर रख ली है और ये सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको देने वाली हूँ। तो आज कोई ब्लॉग नहीं आएगा और आप मेरे बारे में भरपूर जानकारी पालोगे। ओके, सो आज का वीडियो है आपके सवाल मेरे जवाब, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं प्रिया आई एम सिंह यूट्यूबर, जो कि आप चैनल देख रहे हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए एंड यस बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जैसे भी जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी सारी नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो सबसे ज्यादा मुझे क्वेश्चन एक ये पूछा जाता है कि मैम आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप कहाँ रहते हो? तो मैं आपको बता दूं, मेरा जन्म बड़ोदरा गुजरात में हुआ है और शादी हो चुकी है मेरी। मैं रहती हूँ अभी उत्तर प्रदेश यूपी, झांसी के पास एक छोटा सा टाउन है, वहां पर मैं रहती हूँ अभी। सो आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा क्योंकि मैं जब भी लाइव करती हूँ या जब भी मैं ब्लॉग डालती हूँ तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत आता है कि मैम आप कहाँ रहते हो। ओके, नेक्स्ट मैं अपनी अगर एज के बारे में बात करूं तो मेरा बर्थ डेट है 3 अप्रैल 1996। अब आप टोटली काउंट कर लीजिएगा, वैसे तो एक लड़की से एक एज नहीं पूछी जाती है बट आई एम मैरिड सो मैंने आपके साथ शेयर करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी हॉबी, तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है न्यू चीज़ें सीखना। फॉर एग्जांपल मुझे कुकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपने देखा होगा मैंने कई सारी रेसिपी आपके साथ शेयर अल्टरनेट करती ही रहती हूँ। और मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगता है जब मैं बनाऊँ, कोई खाए और मेरी खाने की तारीफ करे। नेक्स्ट मुझे पसंद है जर्नी, इसके अलावा मुझे पसंद है जर्नी, बाहर घूमना, न्यू जगह पर जाना और घूमना। सो मुझे जर्नी भी बहुत पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय एजुकेशन। वैसे तो मैं ये क्वेश्चन बहुत बार आपको इसका आंसर दे चुकी हूँ बट कोई नहीं, मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ। तो एक्चुअली मेरी पढ़ाई गुजरात से है, गुजरात पारुल यूनिवर्सिटी, स्कूल भी मैंने वहीं पर किया है एंड उसके बाद कॉलेज मैंने ज्वाइन किया था पारुल यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर मैंने डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियर की पढ़ाई की हुई है। तो होप यू आपको इसका आंसर मिल गया होगा क्योंकि बहुत दफ़ा इसका आंसर मुझसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय जॉब, क्या करती हूँ मैं, मेरा प्रोफेशन क्या है? तो देखिए, शादी मेरी हो गई थी 2014 में, ठीक है। उसके बाद फिर वही है, शादी हो गई है तो फिर पढ़ाई वगैरह मेरी स्टॉप हो गई थी, उसके बाद मैंने आगे एजुकेशन नहीं ले पाई है। तो मैंने सोचा चलो अब पढ़ाई तो स्टॉप हो गई है, पढ़ाई में ब्रेक आ गया था, तो फिर वापस से उस जगह पर जाना मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था बट मैंने हार नहीं मानी। 2015 में मैंने एक बेटे को जन्म दिया जो कि आप पीछे फोटोग्राफ में देख सकते हो और आप मेरे ब्लॉग में भी देख सकते हो। तो उसके बाद उसके पालन पोषण के चक्कर में, थोड़ा सा उसकी परवरिश के चक्कर में मैं खुद पर ध्यान नहीं दे पाई। देन फिर वो 3-4 साल का हो गया, फिर मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी जहाँ पर मुझे पता चला कि हाँ खुद के लिए कुछ करना चाहिए। पता नहीं क्यों वो वीडियो देख के मुझे अपने आप में ऐसा लगा कि हाँ मैं कहीं खो गई हूँ, मैं ऐसी नहीं थी। फिर मैंने अपने लिए कुछ ना कुछ शुरू किया करने का सोचा, तो फिर मैंने फाइनली जाके यूट्यूब चैनल ओपन किया है और होप यू आप लोग के सपोर्ट के कारण आज मेरी 20K की फैमिली बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय फैमिली, तो अगर मैं अपनी फैमिली के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं, जो पुराने व्यूअर्स हैं, काफी सालों से मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो जानते भी हैं, मेरे घर में रहते हैं मैं, हस्बैंड, बेटा एंड मेरी जेठानी जी, मेरे जेठ जी एंड साथ ही साथ मेरे ससुर जी एंड मेरी सासू मोम और उनके छोटे भाई, मेरे छोटे ससुर जी एंड छोटी सासू मोम और उनके बेटे। तो इस तरीके से हमारी फैमिली है। एंड अगर मैं अपने मायके के बारे में बात करूँ तो मेरे मायके में मेरे बड़े पापा, मेरी बड़ी मम्मी एंड मेरी छोटी सिस्टर एंड मेरे 3 भाई हैं, 3 भाभी हैं एंड उनके 2-2 बच्चे। तो आप देख सकते हो
कितनी बड़ी वहां पर भी फैमिली है, तो मैं एक जॉइंट फैमिली से आई हूँ एंड यहाँ पर भी मुझे जॉइंट फैमिली मिली है, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। तो इसलिए मुझे कुछ ज्यादा चीजें एडजस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं हुई है। हाँ थोड़ा सा ये है, शादी के बाद तो थोड़ा कुछ मैनेज करना ही पड़ता है, तब जाके हम अच्छे से रह पाते हैं एंड अच्छे से वहां पर सेट हो पाते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है माई प्रेगनेंसी। सो डियर, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, इस पर मैंने एक पर्टिकुलर ब्लॉग भी बनाया है कि मुझे सिर्फ एक बेटा ही है एंड यस, सेकेंड बेबी प्लानिंग के बारे में अभी मेरा कोई इरादा नहीं है। मुझे लगता है आगे भी नहीं होगा क्योंकि सब कुछ डिपेंड है मुझ पे और मेरे हस्बैंड पे, और मेरी फैमिली पे कोई भी प्रेशर नहीं है कि मेरी फैमिली मुझ पर प्रेशर कर रही है आप सेकेंड बेबी करो या ना करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सब लोग ओपन माइंडेड है एंड बहुत सपोर्टिव है। तो बस एक से हजार है, तो बस एक बेटा है, अच्छा है, अच्छी फैमिली लग रही है पीछे, बस इतनी फैमिली, छोटी फैमिली, सुखी फैमिली, बस इतना ही चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है माय मैरिज, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। तो मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में, अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपको जरूर इसके बारे में पूरी स्टोरी बताऊंगी। थोड़ी सी इमोशनल भी है, कई सारी प्रॉब्लम्स आई हैं हमारी शादी के बीच, बट फाइनली थैंक गॉड सब कुछ ठीक है एंड बस ऐसा ही बना रहे और कुछ नहीं चाहिए। एंड येस, मैंने अपनी शादी का एल्बम जो फोटोग्राफ्स है वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक आप नीचे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर आपको थोड़ी 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 बहुत नहीं, बहुत सारी जानकारी हमारे लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में मिल जाएगी। लाइट आ चुकी है वापस से। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू मैनेज माई फैमिली विथ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया। तो मैं आपको बताना चाहूँ, देखिए एक तो खुद के अंदर जोश एंड जज्बा होता है, अगर आपने ठान लिया कि मुझे ये करना है तो आप ज़रूर करोगे। एक वो होता है ना लालच, मुझे ये काम करना है, यहाँ से मुझे पैसे कमाने हैं और यहाँ पर मुझे आगे बढ़ना है। एंड यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है, मतलब आपने एक वीडियो डाल दिया, आपके बहुत अच्छे व्यूज आ गए, काफ़ी सब्सक्राइबर बढ़ गए, देन आप फिर को फिर आपको ऐसा लगेगा कि मुझे सेकंड भी डालना चाहिए, हो सकता है उससे भी ज़्यादा व्यूज़ लेके आए। तो ऐसा ही कुछ है, तो मैंने भी ठान लिया है कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। प्लस अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूँ तो मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है एंड सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड, क्योंकि आप देख सकते हो मैं इतने टाइप की वीडियोस बनाती हूँ एंड शुरू से लेके अगर अभी तक की मैं बात करूँ यूट्यूब पे, तो कभी भी उन्होंने रोका नहीं है कि तुम ये क्यों करती हो, ये क्या। और अगर मैं बात करूँ मेरे सास एंड ससुर जी के बारे में, तो उन्होंने भी कभी नहीं टोका है कि तुम क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो। भले ही उनको ये यूट्यूब एंड ये फ़ोन के बारे में जानकारी नहीं थी, तो जब मैं पहले वीडियो बनाती थी, जब मेरा चैनल बहुत लो था, बहुत ज्यादा 100 या 150 सब्सक्राइबर हुआ करते थे, तो तब से लेके मेरी सासू मम ने मुझे बहुत हेल्प की है। मैं उनको सासू मम नहीं बोलूंगी, मैं उनको मम्मी बोलूंगी, क्योंकि तो अजीब सा लगता है, हमारा रिश्ता एक्चुअली ऐसा है नहीं। बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने, जब मेरा बेटा भी छोटा था तो जब मुझे वीडियो एज सच कुछ मेकअप वगैरह शूट करना होता था तो वो लेके उसको चली जाती थी कि चलो बेटा अपन बाहर खेलते, मम्मा को कुछ काम कर लेने दो। तो उनका बैक सपोर्ट बहुत रहा है, यहाँ तक मैं पहुंची हूँ, पूरा का पूरा बैक सपोर्ट मेरी फैमिली ने मुझे दिया है, कभी भी नहीं रोका है, कभी भी मुझे डीमोटिवेट नहीं किया है एंड बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है, जिनकी मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। प्लस आपके बिना, आपके बिना तो यहाँ तक आना मेरा पॉसिबल था ही नहीं। तो यही है, आपको जो चीज़ करनी होती है, जो वुमन जॉब पे जाना होता है, उनको टाइम से वो उठ जाती है, सारा अपना घर का काम निपटा लेती है, देन आफ्टर वो काम पे लग जाती है या काम पे चली जाती है। तो ऐसा ही हम लोगों का भी होता है, फटाफट हमें ये वीडियो शूट करना है, आज ये ब्लॉग एडिट करना है, तो जल्दी जल्दी से उठ के हम अपना काम कर लेते हैं और फिर जल्दी से फ्री होकर के एंड अपना वीडियो में लग जाते हैं, जैसे एडिटिंग करना या कोई शूट करना या कोई प्रमोशन वीडियो शूट करना, इस तरीके से। तो यही है, होप यू आपको बहुत सारी जानकारी एक छोटे सी वीडियो में मिल गई होगी। एंड यस, आपको और भी क्वेश्चन पूछने हैं तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर से लेकर आऊँगी। एंड यस, अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी मोटिवेट लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए ब्लॉग में।